वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो लिबरल नेशनलिज्म है या लिबरलिज्म है, ये विभिन्न क्षेत्रों में किस किस रूप में लोगों ने स्वीकार किया था। इस तरह से बुक में डिटेल में इकोनॉमिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का क्या मतलब रहा वो बताया गया है। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी लिबरलिज्म की आर्थिक क्षेत्र में, इसके लिए सबसे पहले तो लिबरलिज्म इकोनॉमिक क्षेत्र में किस रूप में देखा गया उसको समझ लें। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इन इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो 19th सेंचुरी के आसपास में नेपोलियन ने जो जर्मन स्पीकिंग कुछ क्षेत्र थे, छोटे छोटे टेरिटरीज थे, उसको एक करके उसने कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, एक 39 स्टेट्स को मिला करके उसने एक कॉन्फेडरेशन तैयार किया था। और जितने भी ये स्टेट्स थे इनकी अपनी अलग अलग करेंसी थी, इनका अपना अलग अलग वेट और मीजर्स था। ईच ऑफ दिस पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मीजर्स। अब इसमें कठिनाई क्या थी, कहते हैं कि अगर एक व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए इन 39 स्टेट्स में हैमबर्ग से लेके न्यूरनबर्ग तक की यात्रा अगर वो करे तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना होता था, और जितने भी बैरियर थे वो अलग अलग अपना अप्रोक्सीमेटली अबाउट 5% कस्टम ड्यूटी वो वसूल करते थे। ऐसी दशा में प्रॉब्लम वहां पे थी कि हर रीजन का अपना अलग अलग वेट एंड मेजर्स था, और उसके हिसाब से जो कस्टम ड्यूटी थी उसको कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत परेशानी थी। क्यों, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक कपड़े का जो मेजरमेंट होता था वो एले नाप से होता था, लेकिन ये एले का मतलब डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट स्टेट्स में इसका डिफरेंट मेजरमेंट था। जैसे कि फ्रैंकफर्ट में ये 54.7 सेंटीमीटर का एक एले माना जाता था, वही मेंज में 55.1 सेंटीमीटर का माना जाता था, न्यूरनबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर का एक एले होता था, और फ्रेलबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का एले होता था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अब इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी लिबरलिज्म की जरूरत थी। उसको कैसे दूर किया गया वो अब आप अगली वीडियो में देखें।